तो भाइयों कभी कभी ना अपने ऊपर भी खर्च कर लेना चाहिए, अपने लिए भी कुछ हिस्सा बचा लेना चाहिए। क्या पता जब खर्च करने की उम्र आए कहीं खुद ही खर्च ना हो जाए। हेलो जी, सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामपुर। भाई ये देखो भाई पीछे का नजारा, क्या गजब लग रहा है भाई। सो ये कुछ लोकेशन थी भाई, कल रात को हम आए थे भाई, बहुत थक गए थे, आप मेरी आंखों में देख सकते हो और अभी भी लाल दिख रही है यार आंखें। और मतलब भाई कल तो हालत खराब हो गई थी। मेन कहना कि यार फॉग की वजह से क्या अपने को ना वाइजर खोल के चला रहा था, जिस वजह से ना सीधा डस्ट और ठंडी हवा आंखों पे लग के मेरी आंखें लाल हो गई। अभी हम सुबह सो के उठ गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं अभी, और हम सुबह 6 बजे उठ गए थे और जस्ट अभी रेडी हो रहे हैं। मैंने देखो जूते पहले पहन लिए और बस अब फटाफट से ब्रश व्रश करके उठ के आगे की तरफ निकलेंगे और फटाफट से देखते हैं अपने भाई का क्या हाल चाल है कमरे के अंदर। और शीतू भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रो। चलो सारे रेडी हो रहे हैं भाई, टाइम देख सकते हो भाई, टाइम से पहले एकदम 7:15 हो रहे हैं, 7:30 भी नहीं हो रहे। गुड मॉर्निंग। मेकअप हो रहा है, चुस्सी भाई गरम गरम कर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ओ गुड मॉर्निंग भाई, तैयारी हो रही है बिल्कुल एकदम टाइम पे। सौरभ का है हो रही है क्या? गुड मॉर्निंग भाई, चिल्ड पानी सुबह सुबह भाई, बहुत ठंडा पानी है भाई। मेरे को तो अभी सोच के हैरानी हो रही है कि भैया आज हम जल्दी कैसे उठ गए, क्योंकि भैया जाना है अपने को। अभी हमारा प्लान है यहाँ से, अभी रामपुर से हम जाएंगे चिटकुल, यहाँ से कम 5 घंटे का नेविगेशन दिखा रहा है रामपुर बशर से। हम सोच रहे हैं अगर 8 बजे तक भी निकले, 9, 10, 11, 12, 1 एक बजे तक हमें मतलब नेविगेशन जितना दिखा रहा है ना उतने टाइम के अंदर अंदर अपने को पहुँचना है, बट सेफ एंड साउंड राइड करेंगे। और ठंडा बहुत है तो चिटकुल में इस टाइम पे टेम्परेचर है -12, ठीक है, और अभी यहाँ पे टेम्परेचर होगा -4 के आसपास, है ना अप्रॉक्स। तो ठंडा है रामपुर, लेकिन क्या है ना नीचे की तरफ पड़ता है और चिटकुल है थोड़ा हाइट पे, तो शिमला भी ऊपर था। शिमला नारकंडा में बहुत ठंड थी भाई, पर लेकिन बर्फ़ नहीं थी, ठंड थी। और आज है 30 तारीख, ठीक है, अभी हमारा प्लान यही है कि हम 31 की रात को होंगे चिटकुल में और 1 को आपको जो भी प्लान होगा वो हमको बताएंगे। तो आज तो हमारा चिटकुल में रुकने का ही प्लान है और 31 का भी हमारा कुछ अभी तक तो यही प्लान है कि चिटकुल में ही रुकेंगे। अगर कुछ प्लान में चेंज होगा ना तो आपको बताऊँगा। और अभी हाथ में नहीं धोया, अभी बिना मुँह धोए भी इतना सही लग रहा है, क्योंकि सर्दी है ना भैया, बिना मुँह धोए भी काम चल जाएगा, हाथ मुँह धो के काम चला लेंगे। ओ ये देखो भाई, वो देखो चंदा मामा। ये सारे घर ना रात को मतलब इनकी लाइट ऐसे दिख रही थी पहाड़ों पे, अलग 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 अलग, ऐसा लग रहा था तारे और लगा रखे हों। ऊपर तो तारे थे ही और यहाँ भी हमें तारे ही दिख रहे थे, तो रात को तो भाई बहुत सही मज़ा आया। अभी ऐसे करते हैं फटाफट से ना गेट अप होते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, एंड देन आपको मिलता हूँ थोड़ी बार। बोले तो एक नंबर मास्टर। इसको लेके हम जाएंगे बाहर, इस वाले व्यू का आगे ना कोरियर करने का मजा ही आ रहा है। अभी यही प्लान है, फटाफट से रेडी होते हैं, मतलब मैं तो रेडी हो गया हूँ, बाकी भाई लोग भी रेडी हो चुके हैं, फोटोग्राफी उसमें चल रही है, उसके बाद सीधा निकलेंगे हम आगे चिटकुल की ओर। और पीछे का यार व्यू देखोगे ना आप, इतना मस्त व्यू आ रहा है। तो अभी ना यहाँ पे खड़े होकर ना ऐसे लक्ष्मण झूला वाला फील आ रहा है, क्योंकि नीचे नदी है और ऊपर से ब्रिज बना हुआ है और ठंड बहुत लग रही है। तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करके कैमरा सेटअप करके फटाफट से अपन निकलते हैं मोटर ब्लॉग सेटअप पर। बोले तो
अभी हम गेट अप हो गए, अब इस लोकेशन को बाय बोलते हैं। व्यू बहुत ज़बरदस्त, मौसम एकदम गजब हो रखा है। ऑल सेट, बस अभी बाइक पीछे खींचे। दूर से अभी बस यहाँ से बाहर निकलते हैं, अभी हम आगे की ओर निकलेंगे चिटकुल की। और सो गुड मॉर्निंग रामपुर, तो रामपुर वासियों बाय बाय, चिटकुल को वेलकम करते हैं और चलते हैं चिटकुल की ओर। भाई साहब सुबह सुबह का नज़ारा गजब। अभी अपने को दिखेंगे पहाड़ कटे हुए और रास्ते में आएगा किन्नौर गेट, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे भाई कैसा होता है किन्नौर गेट। मैंने सुबह ना मॉर्निंग में आपको ड्रोन शॉट लिया था, आई होप आपको ड्रोन शॉट अच्छा लगा हो। तो लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और थोड़ा सा ड्रोन उड़ाते हुए अभी भी मेरे हाथ कांपते हैं। और वो और ये वही रास्ता है जहाँ पे मेरा लास्ट काजा वाले ट्रिप पे ड्रोन गायब हुआ था, मतलब चला गया भाई। जाने वाले को जाने देते हैं और आने वाले को वेलकम है, लेकिन वो ना डर तो लगा रहेगा यार ड्रोन उड़ाते हुए। उसमें उतना ही उड़ा रहा हूँ जितना मेरी नज़रों के सामने दिखे, क्यों भाई अपन रिस्क नहीं ले सकते भाई। चली जाए तो दुख बहुत होता है, और खुद की मेहनत से लियो तो और ज़्यादा दुख होता है। अभी हमने यहाँ से पेट्रोल डलवाया 702 रुपए का। हमने सोचा था जल्दी निकल जाएंगे, उठने को तो हम 6:30 बजे उठ गए थे, पर अभी निकलते हुए हमें 10 बज गया भाई। 4 घंटे मतलब देख लो, ज़्यादा लोग थे ना तो उसी हिसाब से तैयार व्यार हुए, वीडियो कर ली। अभी हमने तो नाश्ता नहीं करा, लेकिन हमारी बाइक ने पूरा नाश्ता कर लिया भैया। फुल पेट्रोल फुल हो चुकी है इसमें। अर्ली मॉर्निंग में राइड करने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी लोकेशन पे टाइम पे पहुंच जाते हो जो आपकी डेस्टिनेशन है, प्लस आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलता। ट्रैफिक नहीं मिलता तो आप टाइम से पहले ही पहुँच जाते हो। यार क्या जगह है भाई ही। मैं इस जगह पे ना तीसरी बार आ रहा हूँ अब, और तब भी ना वाइब्स एकदम सेम है भाई। अब यहाँ से आएगा किन्नौर गेट, किन्नौर गेट दिखाएंगे भाई आपको उजाले में। यहाँ ऐसे क्लिफ माउंटेंस भी बोलते हैं उसको, क्लिफ हैंगिंग माउंटेंस, क्योंकि वो ना उनकी शेप ऐसी बनी हुई है जैसे पहाड़ लटक रहे हूँ। तो अभी ज़्यादा बोलूँगा नहीं आपको, सीधा चल के दिखाऊँगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं। तो भाई ये आ चुके हैं मोम वाले पहाड़, ऐसा लगता है ऐसे पिघल रहे हो यार ये पहाड़। ये देखो ना ऐसे मोम जैसे नहीं लग रहे। दुनिया में देखो कितनी सारी चीज़ें जिनके बारे में अपने को पता ही नहीं है यार। और अब ये देखो ये माउंटेन बिल्कुल डिफरेंट है। तो भैया बाहर निकलो और घूमो, बहुत जगह है और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए दुनिया में। फ़ायदा नहीं है हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, कास्टिज्म, गोरा काला, ये सब भाई बेकार की चीज़ें हैं। घर से बाहर निकलो और नई नई चीज़ें देखो भाई, ट्रैवल करो, आप बहुत चीज़ें सीख जाओगे भाई ट्रैवलिंग से। ट्रस्ट मी यार, ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको दे सकती है। माउंटेन्स में जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ों पर ही आओ। मतलब आप अगर नॉर्थ में रहते हो तो साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, देखो वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। ये लड़ाई वड़ाई ये सब बेकार की चीज़ें हैं भाई। अपने आप को ना मेंटली ग्रो करो भाई, ये समय रहते अगर लोगों को चीज़ें पता लग गई ना तो अच्छा है। नहीं सारांश, हाँ जी सर, चिटकुल। सो अभी हम पहुंच गए हैं चिटकुल के चेक पॉइंट पर। हमने एड्रेस और अपना नाम और एमरजेंसी फ़ोन नंबर वगैरह वो सब बता दिया, और कहाँ जा रहे हैं वो भी बता दिया। तो भाइयों अभी हमने एंट्री करा दी, अब हम जा रहे हैं किन्नौर वैली की तरफ। तो भाइयों ये आ गया है किन्नौर गेट, ये देखो ये है भाई किन्नौर गेट, ठीक है। इसको किन्नौर गेट क्यों बोलते हैं, देखो उसके बाद ना सारे क्लिफ हैंगिंग माउंटेन आपको दिखेंगे, सारे पहाड़ ऐसे लगे हैं ऐसे लटके हुए हों। और अभी तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जब हम सीज़न में आए थे ना, जब हमने स्पीति करा था, तब इतनी भीड़ थी इस रूट पे, पूछो मत। सारे इधर ही फोटो फोटो खिंचाने में लग रहे थे, और आज सुना पड़ा भाई। भैया ये खड़ी हुई हमारी बाइक्स देख सकते हो, और ये है किन्नौर का गेट, और ये नीचे आप देख रहे हो ये है किन्नौर वैली। तो ये हिमांशु भाई और सौरभ भाई कैसा लग रहा है भाई आके दूसरी बार, पहली बार?
आवाज ही नहीं निकली। आगे जो रास्ते है ना वो एकदम ऐसे मिलेंगे क्लिफ क्लिफ हैंगिंग वाले, सारे माउंटेन्स ऐसे ही है। तो भी ऐसे करते हैं, टाइम की कमी होने के कारण फटाफट से गियर्ड अप होते हैं और फटाफट आगे की ओर निकलते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बोले तो एक नंबर एक नंबर। हम निकल गए हैं किन्नौर गेट से आगे की ओर, अब आपको क्लिफ हैंगिंग माउंटेन्स दिखाएंगे भाई, गजब गजब वाले। ये देखो कटे हुए पहाड़ों के नीचे से अब हम जा रहे हैं, धूल मिट्टी ये देखो भाई, गजब लग रहा ना, इतना गजब। मुझे तो एकदम हैरान हो गया था जब मैं आया था, मैंने कहा अरे भाई इसके नीचे से कहीं गिर विर तो नहीं जा रहा एक आधा पहाड़ का टुकड़ा, पर ये एकदम रॉक सॉलिड पहाड़ है और गिरने हो तो गिर भी सकते हैं वैसे तो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, किस्मत ख़राब हो तो सब कुछ हो सकता है, पर कोई नहीं यार, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखो। ओ देखो भाई वो देखो क्लिफ हैंग माउंटेन्स इनको बोलते हैं, देखो क्लिफ हैंगिंग पहाड़ लटके हुए हैं ऐसे। मच्छी होती है भाई ये, इतना आसान काम नहीं है भैया राइडिंग करना, बहुत हिम्मत वाला टास्क है, हिम्मत वाला एक्टिविटी है। ओ भाई रास्ता बना हुआ है zigzag माउंटेन्स, गजब है यार। और देखो एक ये zigzag ऐसे नहीं पता लगता, लेकिन दूर से देखने से पता लगता है आपको, गजब है यार। देखो बाइकर्स को ना बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बाइकिंग सिर्फ ये नहीं है, बाइकिंग से ना मेरे को, मेरे लिए जो पर्पस है ना, एक आप ये कह सकते हो मेडिटेशन है बाइकिंग। जब मैं बाइक चलाता हूँ ना तो मैं ना बहुत चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ, मतलब मेडिटेशन जब आप करते हो ना तब आपका माइंड खाली होता है और उसमें ना आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारे उसको प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो बाइक राइडिंग भी मेरे लिए एक वही पार्ट है कि मैं दिमाग में कुछ नहीं रखता, लेकिन उसके साथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत फ्यूचर प्लानिंग, बहुत सारी ट्रिप की प्लानिंग मैं राइड के दौरान ही कर लेता हूँ। आ गया है बोर्ड पू 103 रेकोंगपियो 53 बावन नगर 3 पोंडा 8 बारी 12 निचर 16। ओ सारे बता दिया। बहुत लोग ना मुझे बोलते हैं यार कमेंट सेक्शन में या पर्सनल डीएम करके कि भाई ट्रैवलिंग ना भाई इतना खर्चा है, इतना पैसा नहीं हम खर्च कर सकते, और बाइक से लेके जाना इतना पेट्रोल। हाँ मैं मानता हूँ बिल्कुल, बाइकिंग जो है ना, राइड ट्रैवल करना वो भी बाइक से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप गलत चीज़ों में एक्सपेंस कर रहे हो ना, जैसे मैंने बहुत लोग देखे हैं भाई जो कि क्लबों में जाके 10-10, 20-20 हज़ार पे एक दिन में कुछ घंटों के लिए दे देते हैं, वो लोग मुझे आके ये बात कह रहे हैं ना कि भाई ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव है, तो भाई ये मैं नहीं सुन सकता भाई, क्योंकि उन बंदों के लिए क्या ही एक्सपेंस होगा जो एक एक दो दो घंटे के लिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं। वही हमारी एक ट्रिप का खर्चा निकल जाता है यार इतना पैसे देके, और वो भी एक ट्रिप मतलब एक हफ्ते का, और मेमोरीज आपकी रहती है लाइफ टाइम। महीने बाद महंगे महंगे एक्सपेंसिव कपड़े ला रहे हैं, शूज़ ला रहे हैं। देखो मैं सच बताऊँ, सिंपथी गेन करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं खुद मतलब 2-3 साल से मैंने कपड़े नहीं लिए, मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने कब कपड़े लिए थे। तो मतलब एक एग्जांपल है कि लोगों को ना ये है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव जब है जब आप बाकी चीज़ों पे खर्चा ना कर रहे हो और आप सेव कर रहे हो। अगर सेव करके आप अपने पैसे घूमोगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा लगेगा। देखो क्योंकि एक्सपेंस देखो हम भी करते हैं, पर मैं हम सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग ये तो देखते हैं कि हम इतनी दूर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि भाई उस चीज़ के लिए हम कितना सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब हम एक बार ट्रिप के लिए खर्चा करते हैं ना, तो उसके बाद हम कपड़े नहीं खरीदते, इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें पता है यार अगले महीने फिर ट्रिप पे निकलना है, तो यार कपड़ों में क्या एक्सपेंस करो, और अगर हमारे पास ऑप्शन है ना तो हम
सस्ते कपड़े ले लेते हैं भाई। मैं कभी कपड़ों में ये नहीं करता कि मुझे नाइकी का चाहिए, एडिडास का चाहिए या किसी और ब्रांड के कपड़े चाहिए। भाई मेरे को कोई से भी कपड़े मिलते हैं, लेडी पे भी मिलते हैं ना, तो मैं वो भी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई सेविंग ऐसी ही होगी। हमारा शौक सिर्फ एक ही है, वो है ट्रैवलिंग, बाइक राइडिंग, तो हम इसमें ही एक्सपेंस करते हैं सारा कुछ। ये देखो भाई लैंडस्लाइड हो रखी है ऊपर से, और नीचे पानी देखो भाई। डैम है ये इधर ना कोई, रक्षम डैम है शायद, रक्षम करके जहाँ तक मुझे याद है सांगला के पास। और देखो एकदम ग्रीनिश पानी है ये, ऐसा पानी किसी ने कहीं देखा है तो बताओ। हाँ तो ये है करचम डैम। हाँ करचम, वहाँ पढ़ लेता हूँ। कर दिया भैया, प्याज पराठे, आलू प्याज पराठा, पनीर पराठा, ठंडे हो गए थोड़े भाई, 2 मिनट छोड़े हैं और इसको ठंडे हो गए। सच में यार ये तो बिल्कुल ही ठंडे हो गए मेरे तो। फटाफट से खाते हैं, अभी बाइक हमने पीछे लगा दिया और फिर राइड पे मिलता हूँ। इधर हमने खाना खा लिया बढ़िया, एकदम पेट भर गया। अब यहाँ से निकलते हैं आगे। ओहो हाँ यार, ये अगर आप चिटकुल की तरफ जा रहे हो तो इस ढाबे पे बैठ के खाना यार, बहुत सही था यार, टेस्टी था प्लस वर्थ इट था। ये देखो भाई क्या खतरनाक रास्ता है, पतला सा रास्ता है और नीचे पूरी खाई, एकदम स्ट्रेट खाई है। और सांगला है 11 किलोमीटर और 7 किलोमीटर बाद है कुप्पा। कुप्पा रास्ते देखो भाई साहब, एक्चुअल में यार आपको नहीं पता लग रहा होगा, मैं देख रहा हूँ ना भैया, बहुत खतरनाक रास्ता भैया। अगर आपको भी ऐसे खतरनाक रास्तों पे आना है और ऐसे अच्छे अच्छे व्यूज चाहिए तो फॉलो कर सकते हो एक्सप्लोरर सारांश को, ये एक नंबर भाई, गजब गजब है भाई। तो जब भी आप किसी ब्लाइंड स्पॉट देखें जैसे कि ये है, तो हॉर्न मार के ही आगे प्रोसीड करें, क्योंकि सामने वाला अवेयर हो जाएगा अगर अपोजिट साइड से कोई आ रहा होगा तो हमेशा हॉर्न मार के चलें जब भी आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट दिखे जैसे ये। तो भाई ऊपर देखो काले काले बादल हमें दिख रहे हैं, तो किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाए। तो हम फटाफट से जा रहे हैं ऊपर। वेलकम टू तुक्पा वैली। ओ ओ भाई इतने प्यारे गधे मैंने आज से पहले नहीं देखे यार, बहुत ही प्यारा सा गधा था, बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था यार, टॉय जैसा। तो ये आ गया है सांगला द्वार। सांगला द्वार चटकुल तो हम पहुंचने वाले हैं, और वो देखो ऊपर पहाड़ों पे हमें बर्फ़ दिखने लग गई। हो सकता है बर्फ़ पड़ भी जाए भाई, पर ऊपर वाले पहाड़ों पे तो दिख रही है। तो भाइयों अभी हम पहुंच गए हैं इंडियाज लास्ट विलेज चटकुल, एल्टीट्यूड एट 11,320। फाइनली 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 We have reached its goal. तो भाई मौसम देख सकते हो बारिश वाला लग रहा है बिल्कुल, स्नोफॉल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और ये हम पहुंच गए हैं इंडिया के लास्ट विलेज जिसका नाम है चिटकुल विलेज। तो ये आखिरी गांव है भाई इंडिया का, और नीचे पानी देख सकते हो, कुछ कुछ जगह पे ना पानी बर्फ़ से जमा हुआ है, ये देखो बर्फ़ दिख रही है, जमा हुआ है भाई पानी। और अभी कुछ फोटोज़ वीडियो लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। अभी इस पे लगा देते हैं हम अपना स्टिकर, तो भाई जो भी आएगा इधर उसको पता होगा कि भैया हम भी कभी आए थे
लास्ट टाइम आए थे लेकिन हमारा किसी कारणवश नहीं ला पाए इसको स्टिकर को, और इस बार हम जरूर लगाएंगे। एक्सप्लोरर सारांश बोले तो एक नंबर। क्या ये दुबा। तुमने खा लिया ना तो ऐसे नजर क्यों लगा रहे हो? ये बैनर क्यों लग रहा है? हाँ जी भैया डाल दो। तो भाइयो जल्दी से खा लेते हैं थुप्पा, कहीं ज्यादा लेट ना हो जाए। भैया ये देख, ये देखो कैसे, और इनकी शक्लें देखे बेचारों की। भाई ऑलरेडी खा चुके हैं। एक बार पॉज हो जाए, विंग्स निकालियो एक बार। वो देख, और देख जी तो सीतू के बाल देख जाती में। तो भाई रात का माहौल बना हुआ है इधर, आग वाग जल रही है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 7:30 और आज है 30 तारीख, और एकदम मस्त माहौल हो गया। और अब फटाफट अपना चेंज वेंज कर लिया। अब देखो अब थोड़े से लग रहे होंगे महंगे से। तो यहाँ पे चल रही है पार्टी वार्टी भाई, वो देखो वहाँ चल रही है पार्टी। अभी चलते हैं इनके रूम में। तो यहाँ रूम कहाँ है भाई? किसी गैलरी में। यहाँ पे ये तो टॉयलेट सा लग रहा है। नहीं नहीं यही है, यही है। क्यों मजे ले रहा है भाई? यही है भाई, लॉक कर देगा। हाँ भाई क्या चल रहा है? भाई बाहर चलने का कहा सीन है? बाहर बाहर कहाँ मतलब? तेरी भाई चुस्सी। अरे भाई नीचे आके तैयार हो गए, फटाफट अपन नीचे चलते हैं। भाई कुछ खाने वाने चलते हैं। खाने चलते हैं। किसके? तेरे? हाँ अब ठीक हो गई ना? पैर देखो इसके, दो चार नंबर का, पांच नंबर का, चार गिफ्ट कर देना मेरे को, ठीक है? पागल है क्या? देख रहा हूँ कोई किसी को अच्छी लग रही हो, कोई कर दे चार नंबर का गिफ्ट जूता। कौन करेगा? देखो भाई हम पहुँच गए हैं चिटकुल, और देखो एंट्री होते के साथ हमने इधर होम स्टे ले लिया। ये हमारा है होम स्टे और बहुत सही है भाई, फैसिलिटी वगैरह सब बढ़िया है। बाइक राइड करके हालत खराब हो गई, थक चुका है भाई थोड़ा। अंकल आप 12 महीने इधर ही ऐसे ही रहते हो? 12 महीने इधर ही रहते हो या ऊपर नीचे जाते हो? इधर ही रहते हो। तो अभी तो और सर्दियाँ पड़ती है या बर्फबारी हो जाती है, तब पानी वानी का कैसे करते हो? मतलब पानी या नदी वदी से लाते हो या कैसे? अच्छा थैंक यू सो मच आंटी। तो भाई गर्म पानी ले लिया हमने रूम के लिए, और ये आस्था जा रही है नाश्ता करते हुए। तो भाई अभी ना देखो पानी गर्म हो चुका है, अभी अपने रूम में जा रहे हैं, और जूते पहन रखे हमने, चप्पल लाए थे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही चप्पल पहन के घूमे, तो जूते पहन के घूमे। और हमारी बाइक्स ये पार्क है नीचे, ये हमारी बाइक्स पार्क है हम तीनों की, और ये शीतू की गाड़ी मधुमक्खी बनी हुई है आज तो बुरी। चलो बस, चलो भाइयों अभी कुछ खाना वाना खाते हैं, कमरे में चलते हैं, आपको बाद में अपडेट देंगे।